अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से मुलाकात करने का इरादा करे तो उसे बीवी से मुलाकात करने से पहले कौन सी नियत कर लेनी चाहिए, यानी शौहर का बीवी से हम बिस्तर होने से पहले कौन सी नियत करनी चाहिए, आज मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि शादीशुदा हजरात के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल पर भी आपको अजर व सवाब अता किया जाएगा। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से मुलाकात करने का इरादा करे, यानी बीवी के साथ हम बिस्तरी का इरादा करे, तो उसे चाहिए कि वो तीन नियतें कर ले। वो कौन सी नियतें हैं? नंबर एक पर उस शख्स को ये नियत करनी चाहिए कि मैं इसलिए अपनी बीवी से मुलाकात कर रहा हूँ, हम बिस्तर हो रहा हूँ, ताकि मैं ज़िना से बच जाऊँ। यानी जिना से बचने की नियत करनी चाहिए बीवी से हम बिस्तर होने के लिए। नंबर दो पर यह नियत करनी चाहिए कि मैं इसलिए अपनी बीवी से हम बिस्तर हो रहा हूँ ताकि मेरे ख्यालात ना भटके, मेरे ख्यालात पाकीज़ा हो जाएं और मैं गलत किस्म के ख्यालात से महफूज हो जाऊँ। और नंबर तीन पर यह नियत करनी चाहिए कि मैं इसलिए अपनी बीवी से हम बिस्तर हो रहा हूँ ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेक औलाद से नवाज दे, मुझे औलाद हसना अता फरमाए। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जो शख्स बीवी से मुलाकात करने से पहले ये तीन नियतें करेगा तो उसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल पर भी अजर व सवाब अता किया जाएगा। तो जब भी शौहर बीवी से मुलाकात करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वो बीवी से मुलाकात करने से पहले ये तीन नियतें कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको शराई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।